मेरा पहला मरीज मेरा दोस्त था, तो मेरे जहन में फिर आज तक ये बात बहुत गहरी बैठी हुई है कि जिसका भी मैं इलाज करूं एडिक्शन का, वो मेरा दोस्त होता है। एक दिन एक नया दरवाज़ा खुला और मुझे एडिक्शंस में ट्रेनिंग्स का मौका मिला। USIA के एक प्रोग्राम में, जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है अमेरिका का, उसमें मुझे विजिटर के तौर पर अमेरिका में बहुत सी इलाजगाहों को देखने का मौका मिला। मरीज का और फैमिली वालों का मिलना हर रोज़ होना चाहिए, और ये जो कुछ इलाजगाहों का वतीरा है कि वो कई कई दिन मरीज से उसकी फैमिली को मिलने नहीं देते, तो जब भी कोई इलाजगाह आपको मरीज से मिलने से रोकती है तो आप समझ ले कि फिर दाल में कुछ काला है। ये एक असाबी बीमारी है, जिसका मतलब है कि ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, यानी नशे की बीमारी एक तरह से दिमाग को अगवा कर लेती है। जैसे लोग कहते हैं विल पावर बड़ी इम्पॉर्टेंट है, तो स्किल पावर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे चरस बहुत से मरीजों में दिमागी तवाज़न को ख़राब कर देती है, और लोग समझते हैं कि चरस तो कुछ भी नहीं, ये वनशियात की कोई मासूम छोटी बहन है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब कोई अंधाधुंध नशे का इस्तेमाल कर रहा होता है तो बहुत स्यापा होता है, लेकिन मसला यह है कि जब कोई नशे का इस्तेमाल तर्क करता है तो फिर भी बहुत स्यापा होता है, क्योंकि नशा करें तो मुसीबत, ना करें तो मुसीबत, इसे कहते हैं नशे की बीमारी। चूँकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो 1994 में फिर कराची सेंटर का आगाज़ हुआ। इसी तरह यानी मरी में फिर 1995 में स्टार्ट हुआ, और मरी सेंटर हमारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। आप सदाकत क्लिनिक से लाहौर, कराची और मरी में मदद हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से या दूरी से आप सदाकत क्लिनिक से मदद हासिल नहीं कर सकते, तो फिर आप मदद ज़रूर हासिल कीजिए, चाहे आप कहीं से भी मदद हासिल कीजिए। नशा आखिर आपके घराने का मुकद्दर क्यों रहे? 1978 में हेरोइन एडिक्शन पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल रही थी। मुझे अचानक एक दिन मेरे दोस्त ने बताया कि वो हेरोइन एडिक्शन का शिकार है और उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा पहला मरीज़ मेरा दोस्त था, तो मेरे जहन में फिर आज तक ये बात बहुत गहरी बैठी हुई है कि जिसका भी मैं इलाज करूं एडिक्शन का, वो मेरा दोस्त होता है। और इस ख्याल के तहत मुझे इलाज करने में बहुत आसानी पैदा होती है। फिर एक दिन एक नया दरवाज़ा खुला और मुझे एडिक्शंस में ट्रेनिंग्स का मौका मिला। USIA के एक प्रोग्राम में, जो इंटरनेशनल प्रोग्राम है अमेरिका का, उसमें मुझे विजिटर के तौर पर अमेरिका में बहुत सी इलाजगाहों को देखने का मौका मिला, और बाद जहाँ उन इलाजगाहों में से एक सबसे बड़ी इलाजगाह जिसे हेजल्डन बेटीफोर्ड सेंटर कहते हैं, वहाँ मुझे भरपूर ट्रेनिंग का मौका मिला। ये जो इनडोर ट्रीटमेंट है, जैसा कि हम सदाकत क्लिनिक में करते हैं, इसके चीदा चीदा से कुछ असूल क्या है? नशे का इलाज कोई पिछले 300 साल से हो रहा है, और अब ये इलाज अपनी मैच्योरिटी की बुलंदियों को छू रहा है, लिहाजा इसके प्रिंसिपल्स बड़ा सादा है। सो इलाज का चुनते हुए एक तो फैमिली को ये देखना होता है कि वो इलाज का चुने जो मरीज को बीमार समझ के उसका इलाज करे। अगर कोई इलाज का किरदार की खराबी के पहलू पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, तो ऐसी इलाजगाहों को दूर से ही सलाम। जो इंटरनेशनल इलाजगाहें हैं उनके सर्टन असूल होते हैं, SOPs होते हैं, जिनके मुताबिक काम करना होता है, और कोई अपने जाती SOPs नहीं बना सकता। अगर आप चाहें कि वो SOPs क्या हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं, तो NIDA, जो कि अमेरिका की सरकारी वेबसाइट है, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट पड़ी है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट। तो हर साल 40 डॉक्टर उसे रिव्यू करते हैं। मरीज का और फैमिली वालों का मिलना हर रोज़ होना चाहिए, और ये जो कुछ इलाजगाहों का वतीरा है कि वो कई कई दिन मरीज से उसकी फैमिली को मिलने नहीं देते, तो ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है। जब भी कोई इलाजगाह आपको मरीज से मिलने से रोकती है, तो आप समझ ले कि फिर दाल में कुछ काला है। तो जो सबसे अहम नुक्ता है कि फैमिली और मरीज इलाज के दौरान रोज़ाना मिलते रहें, और माहिरीन उनके आपस के इंटरेक्शन को देख के मरीज को और फैमिली को हदायत देते रहें कि आइंदा आपको आपस में कैसे तबादला ख्याल करना चाहिए। फिर ये जो मुलाकात मरीज से हो, ये उस जगह होनी चाहिए जहां मरीज एक्चुअली अस्पताल के अंदर रह रहा है।
यानी जिस कमरे में मरीज की रहाइश है मुलाकात फैमिली को वहीं जाके करनी चाहिए। बिल्कुल वहीं जाके फैमिली को मुलाकात करनी चाहिए और इस मुलाकात के लिए कोई खास एहतमाम नहीं होना चाहिए। मरीज के जो फितरी रवैये हैं फैमिली के साथ वो सामने आने चाहिए। फैमिली का फितरी जो रवैया है मरीज के सामने वो भी सामने आना चाहिए ताकि हम पिन पॉइंट कर सकें कि इनके आपस के इंटरेक्शन में कहाँ प्रॉब्लम है। ज़िंदगी में और बहुत से मसाइल आते हैं, उनको हल करने के लिए भी कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। तो स्किल सेट जो है, जैसे लोग कहते हैं विल पावर बड़ी इम्पॉर्टेंट है, तो स्किल पावर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर दोस्तों को बदलना, नया सोशल कैपिटल बनाना, नए लोगों से ताल्लुकात बनाना, ये नशे के मरीजों के लिए बड़ा सीखने का काम है। फिर जजा और सजा का एक निज़ाम है जो इंसान अपने ऊपर लागू करता है। जब हम मरीज़ों का इलाज करते हैं तो हम उन्हें सिखाते हैं कि आइंदा अपनी ज़िंदगी में ज़ाती तौर पर एहतसाब का निज़ाम रखना, और जब अच्छा काम करो तो अपने आप को शाबाश देना, और जब अच्छा काम ना करो तो फिर कोई डिसेंट सी पनिशमेंट या अपनी कोई सहूलत को वक्ती तौर पर रोकना ताकि आपको एहसास हो। और फिर जो नॉन लिविंग चीज़ों का इस्तेमाल है, जैसे स्मार्टफोन को अब आप रिकवरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक स्लोगन है आपका, और तकरीबन जो लोग पिछले चार दिहाइयों से पाकिस्तान में नशे की जो कोई भी किसी को प्रॉब्लम है वो ये जानते हैं, नशे में कहीं वो तन्हा ना रह जाए। ये आप बताइएगा कि ये स्लोगन, इसकी बैकग्राउंड क्या है? ये मेरी एक किताब का नाम है जो 1988 में आई थी, नशे में कहीं वो तन्हा ना रह जाए। ये वालदेन के लिए एक प्रोग्राम है जिसे आप बैन अल-क़ौमी तौर पर टफ लव प्रोग्राम के तौर पर जानते हैं। तो हमारे कल्चर के मुताबिक वालदेन अपने उन बच्चों के साथ कैसे मामला तय करें जो नशे की बीमारी में मुबतला है और जिनके रवैयों से माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। और ये सदाकत क्लिनिक की वेबसाइट पे किताब मौजूद है। ये वालदेन के लिए रहनुमा असूल हैं जिनमें वालदेन को अपनी फीलिंग्स मैनेज करने का मौका मिलता है और किस मौके पे उन्होंने अपने मरीज से कैसे मामला तय करने हैं। डीटॉक्स जो है ये ट्रीटमेंट का इब्तदाई हिस्सा है जिसमें हम फैसिलिटेट करते हैं मरीज के लिए नशा छोड़ना बगैर किसी तकलीफ के, ताकि वो इसे एक मुस्बत तजर्बे के साथ लेके आगे चलने की तैयारी करें। नशा कई लोग जो है वो खुद ही छोड़ देते हैं और फिर चंद दिन के बाद फिर दोबारा नशे में पड़ जाते हैं जिससे बड़ी नदामत होती है। ये एक बीमारी है, इसके इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक असाबी बीमारी है जिसका मतलब है कि ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। यानी नशे की बीमारी एक तरह से दिमाग को अगवा कर लेती है और इंसान फिर नशे की बीमारी के सामने अपने आप को बेबस पाता है। लेकिन देखने में यही नज़र आता है कि इस जिस्मानी मर्ज के अंदर जो लोग मुब्तला होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग किसी न किसी नफ्सियाती उलझन या मसले का भी शिकार होते हैं। सो इलाज के दौरान इन नफ्सियाती गुत्थियों को सुलझाना कितना ज़रूरी है? देखिए, ये तो लाजिम है कि जो भी नशे की बीमारी में जाता है उसके मूड में, मिजाज में और ख्याल में कुछ खराबी ज़रूर होती है। लाजिम नहीं कि उसे कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो बाकायदा, लेकिन कुछ ना कुछ मुश्किल होती है तो कोई ड्रग्स में पड़ता है। एहसास कमतरी में कोई अगर मुबतला है या शेम में मुबतला है तो इनका नशे की बीमारी में एक तो जाने का बड़ा इम्कान होता है। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर में लोग जो हैं, चूँकि वो एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका सामना ड्रग्स के साथ हो जाता है। तो ये जो को अकरिंग डिसऑर्डर्स हैं ये लाजम मलजूम है एडिक्शन ट्रीटमेंट के। इसमें हर किस्म के आपको दीगर मसाइल भी एडिक्शन के हमरा मिलते हैं, बेचैनी, डिप्रेशन, OCD और बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर, बहुत सारी जो ड्रग्स हैं जो साइकोसिस कॉज करती हैं जैसे चरस, बहुत से मरीजों में दिमागी तवाज़न को ख़राब कर देती है। लोग समझते हैं कि चरस तो कुछ भी नहीं, ये वनशियात की कोई मासूम छोटी बहन है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक ड्रग है और पिछले 40 साल में इसमें जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा आ गई है। यानी आप समझें कि आज की चरस 40 साल पहले की चरस की नस्बत कम अज़ कम 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। लिहाजा इसे अंडर एस्टिमेट करना लोग छोड़ दें, ये एक गेटवे ड्रग है। मनुष्यात से जान छुड़ाना इतना मुश्किल क्यों है? नशे का मरीज हर रोज नशा छोड़ने की बात करता है और फिर चाहता है कि खुद ही ऐसा कर गुजरे।
वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने हमेशा के लिए नशा छोड़ दिया है, मगर ये तरीका ज्यादातर काम नहीं करता। आखिरकार वो फिसल जाता है और दोबारा नशा शुरू कर देता है। फिर बहुत नदामत होती है। नशा छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? नशा छोड़ना मुश्किल इसलिए है कि ये एक दिमागी बीमारी है। नशा करते रहने को दिल चाहता है, हालांकि नशा हमें बर्बाद कर रहा होता है। नशा छोड़ने के लिए मदद की जरूरत होती है। नशा करने से दिमाग के कीमियाई सिग्नल बदलने लगते हैं, आपकी पसंद और नापसंद बदल जाती है। फिर आप वो करते हैं जो नशा आपसे करवाता है। आप पूरी तरह नशे के काबू में आ जाते हैं। दिमाग का जो हिस्सा आपको मजे का एहसास दिलाता है वो भी नशे का रसिया हो जाता है और बाकी चीजों से मुंह मोड़ लेता है। नशा एक तरह से दिमाग को अगवा कर लेता है और दिमाग के लिए नशा सब चीजों से ज्यादा अहम हो जाता है। जब कोई नशा करता है तो पहले पहल उसे कैफो सरूर मिलता है, मजा आना अच्छा लगता है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ सरूर इतना भरपूर और देरपा नहीं रहता। एक तरह से नशे में बरकत नहीं रहती और फिर बस हर वक्त नशा चाहिए। नशा न करें तो बहुत स्यापा होता है। इसे कहते हैं कि आपको नशे की लत लग गई है, मगर आपको इस तरह नशे के चुंगल में फंसे रहने की जरूरत नहीं। दुनिया में रोजाना लाखों लोग नशा छोड़ते हैं। अगर आपको या आपके किसी प्यारे को नशे की बीमारी है तो मदद हासिल कीजिए। सदाकत क्लिनिक से मदद हासिल कीजिए। यहाँ से नहीं तो किसी से भी मदद हासिल कीजिए, पर मदद जरूर हासिल कीजिए। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। अभी कॉल कीजिए कराची 03146865271, मरी 03001064909। हमारी वेबसाइट विजिट करें www.sadakatclinic.com। जब कोई नशे की बीमारी में मुब्तला होता है और अंधाधुंध नशे का इस्तेमाल कर रहा होता है तो बड़े मसाइल होते हैं, जिसे आम जुबान में हम कहते हैं बहुत स्यापा होता है। लेकिन मसला यह है कि जब कोई नशे का इस्तेमाल तर्क करता है तो फिर भी बहुत स्यापा होता है, क्योंकि नशा करें तो मुसीबत, ना करें तो मुसीबत, इसे कहते हैं नशे की बीमारी। सो हमें ये सोचना, जो लोग अक्सर सोचते हैं कि एक दफ़ा मरीज नशा छोड़ दे तो बस मसला हल है, तो नहीं। अपने आप को दोबारा बुरे असरात से निकालना और ज़िंदगी में दोबारा मगन करना, एक बैसाखी जो खाम खा हमने अपनी ज़िंदगी के साथ लगा ली थी, जब उस बैसाखी को हटाएंगे तो हमें खुद चलना सीखना होगा। और ये ऐसा हम आहिस्ता आहिस्ता रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर सकते हैं, और इसी के लिए जो फॉलो अप प्रोग्राम है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। फॉलो अप के बगैर कोई कामयाबी का इम्कान नहीं। फॉलो अप ट्रीटमेंट होता है, ये महज एक रस्मी कार्रवाई नहीं है। ये ऐसे नहीं है जैसे शादी के बाद वलीमा होता है। ये लाजमी बात यह है कि जब इलाज होगा तो फॉलो अप ट्रीटमेंट भी होगा, क्योंकि नशा छोड़ने के बाद इंसान को बहुत मसाइल पेश आते हैं। पुराने दोस्तों से कैसे जान छुड़ाई जाए, उन जगहों पर जाने को दिल करता है जहाँ बैठ के कभी नशा करते थे, तो एक गुरु की ज़रूरत जैसे होती है, तो डॉक्टर भी इस मामले में एक गुरु का किरदार अदा करता है। और जितने भी प्राइमरी क्रॉनिक डिसऑर्डर होते हैं जो प्रोग्रेसिव होते हैं और जिनका इलाज ना करने से मौत हमें आ घेरती है, ऐसे तमाम बीमारियों में डॉक्टर के साथ रबता और इलाज का मामला चलता रहता है। इन बीमारियों का इलाज शुरू होता है पर ख़त्म कभी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि मरीज नशा करता रहेगा, नहीं, मरीज नशा छोड़ देगा, वो अपनी ज़िंदगी में आएगा लेकिन उसे कभी ना कभी क्रेविंग होगी। और ऐसे मौके पे अगर पहले से उसका ताल्लुक किसी इलाजगाह से बकायदा है तो वो अपनी क्रेविंग्स के साथ आसानी से डील कर लेगा। जब हम आपको तरगीब दे रहे होते हैं कि इलाज में ज़रूर जाएं, तो इसका मतलब है कि घर बैठे बैठे बहुत नुकसान हो सकता है, तबाही बढ़ सकती है। और घर में जो फोकस है वो ज़िंदगी से हट के इस जानब हो जाता है कि घर में ये जो हर वक्त का जो गड़बड़ घोटाला है इस पर कैसे काबू पाएं। प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, लोग शादियों ब्याहों में जाना छोड़ देते हैं, लोग लोगों को घरों में बुलाना छोड़ देते हैं और ज़िंदगी एक स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। हत्ता के पूरे अहले खाना पर इस बीमारी का साया पड़ जाता है। जिस घर में नशे की बीमारी आती है वहाँ से खुशियाँ मुँह मोड़ लेती हैं और इलाज से
मैंने ना सिर्फ मरीजों की जानें बचते देखा है बल्कि हज़ारों चिराग जलते हैं जब एक मरीज़ जो है नशे की ज़िंदगी को छोड़ के बहाली की ज़िंदगी की तरफ जाता है। घर में इस बीमारी को कारपेट के नीचे डालने से बिल्कुल भी मसला हल नहीं होगा। किसी भी घर में जब नशे की बीमारी आती है तो वो बहुत ज़्यादा सदमे से दो चार होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा शेम का एलिमेंट भी होता है, तो लोग घर की बात घर के अंदर रखते हुए कॉमन सेंस से कुछ उस अपने प्यारे का इलाज शुरू कर देते हैं, जिसमें कभी वो मोहब्बत का हरबा आजमाते हैं, कभी नवाजशें करते हैं और कभी मरीज़ के साथ लानत मलामत और सख्ती करते हैं और एक घर में एक गोरखधंधा सा बन जाता है। फिर नशे का मरीज गुस्सा बहुत करता है, गुस्सा ना करे तो फिर लोग उसे नशा नहीं करने देते। सो अहले खाना उसके गुस्से के ट्रैप में कभी ना आए, हमेशा वो गुस्सा करे तो वो उससे आहिस्तगी से आज़ाद आराम से बात करें और जब मरीज बोल रहा हो तो खुद ना बोलें, उसके बोल चुकने के बाद जब लगे कि वो एग्जॉस्ट हो गया तो फिर आप अपना मुख्तसर पैगाम उसको बता दें कि आपको बहुत तकलीफ़ है इस बात की कि वो नशा करता है और आप उससे तो रखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाए। घर में लोग कभी लड़ते झगड़ते नज़र आते हैं, कभी मिन्नत समाजत करते नज़र आते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि ये एक बाकायदा बीमारी है और इसके इलाज के लिए उन्हें माहरीन से रजू करना पड़ेगा। सो हमेशा अपने मरीज़ के साथ मोहब्बत एहतराम और एक ठोस रवैये के साथ आगे बढ़ें और उसे इलाज तक पहुँचाने की जद्दोजहद करें। उससे ये तकाजा करने की बजाय कि वो नशा छोड़ दे, उससे ये तकाजा करें कि वो मदद के लिए तैयार हो जाए, वो इलाज के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब आप किसी से वो चीज़ मांगते हैं जो वो दे नहीं सकता तो बड़ा फसाद होता है, लेकिन जब आप वो चीज़ मांगते हैं जो कि वो आपको दे सकता है, जैसे इलाज के लिए रजामंदी आपको दे सकता है, तो आप हमेशा उससे मदद हासिल करने के लिए जब ये कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे आगे आपके ख़ानदान में रोशनी बिखरती है, घर टूटने से बचते हैं और घरों में अमन और सुकून आता है। लेकिन जब आप इलाजों को देखना शुरू करेंगे, जब आप इम्कानात पर बात करेंगे, जब आप तबादला ख्यालात करेंगे माहरीन के साथ, तो आपको रास्ता सुझाई देने लगेगा। फैमिली को हमने बताना होता है कि मरीज़ के साथ इज्जत और मोहब्बत से पेश आएँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मरीज़ की बातें माने। आप मरीज़ की सिर्फ वही बात माने जो दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ रवैये अच्छे रखें, इज्जत उसकी ख़राब ना करें, क्योंकि ये बात के मरीज़ों की भी इज्जत होती है, ये बात जितनी जल्दी फैमिली समझ ले उतने ही अच्छा है। अगरचे के मरीज़ अपनी इज्जत को ख़राब करने के लिए कई ऐसे कारनामे कर चुका होता है जिससे कि फैमिली बहुत दिल गिरफ्ता होती है और फैमिली का दिल बहुत परेशानियों से घिरा होता है, लेकिन अगर आप अपने प्यारे को रिक्लेम करना चाहते हैं, उसे एक बहाली और खुशहाली की ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो फिर लाजिम है कि आप अपने मरीज़ के साथ असर्टिव रवैये, माकूल रवैये इख्तियार करें और उसके साथ बात करते हुए ना लाल पीले होने की ज़रूरत है ना सदके वाली जाने की। मनशियात से जान छुड़ाना इतना मुश्किल क्यों है? नशे का मरीज हर रोज नशा छोड़ने की बात करता है और फिर चाहता है कि खुद ही ऐसा कर गुजरे। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने हमेशा के लिए नशा छोड़ दिया है, मगर ये तरीका ज्यादातर काम नहीं करता। आखिरकार वो फिसल जाता है और दोबारा नशा शुरू कर देता है। फिर बहुत नदामत होती है। नशा छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? नशा छोड़ना मुश्किल इसलिए है कि ये एक दिमागी बीमारी है। नशा करते रहने को दिल चाहता है, हालांकि नशा हमें बर्बाद कर रहा होता है। नशा छोड़ने के लिए मदद की जरूरत होती है। नशा करने से दिमाग के कीमियाई सिग्नल बदलने लगते हैं, आपकी पसंद और नापसंद बदल जाती है। फिर आप वो करते हैं जो नशा आपसे करवाता है। आप पूरी तरह नशे के काबू में आ जाते हैं। दिमाग का जो हिस्सा आपको मजे का एहसास दिलाता है वो भी नशे का रसिया हो जाता है और बाकी चीजों से मुंह मोड़ लेता है। नशा एक तरह से दिमाग को अगवा कर लेता है और दिमाग के लिए नशा सब चीजों से ज्यादा अहम हो जाता है। जब कोई नशा करता है तो पहले पहल उसे कैफो सरूर मिलता है, मजा आना अच्छा लगता है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ सरूर इतना भरपूर और देरपा नहीं रहता। एक तरह से नशे में बरकत नहीं रहती और फिर बस हर वक्त नशा चाहिए,
नशा न करें तो बहुत स्यापा होता है, इसे कहते हैं कि आपको नशे की लत लग गई है। मगर आपको इस तरह नशे के चुंगल में फंसे रहने की जरूरत नहीं। दुनिया में रोजाना लाखों लोग नशा छोड़ते हैं। अगर आपको या आपके किसी प्यारे को नशे की बीमारी है तो मदद हासिल कीजिए। सदाकत क्लिनिक से मदद हासिल कीजिए। यहाँ से नहीं तो किसी से भी मदद हासिल कीजिए, पर मदद जरूर हासिल कीजिए। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। अभी कॉल कीजिए कराची 03146865271, मरी 03001064909। हमारी वेबसाइट विजिट करें www.sadakatclinic.com। और जब वो माहरीन से रजू करते हैं तो फिर भी फैमिली अपने फ़राइज़ मंसूबी से फारिग नहीं होती, क्योंकि पेशेंट ने वापस उनके पास जाना होता है। तो जिस तरह अहले खाना सोचते हैं कि हम अपने मरीज़ को महफूज हाथों में दें, तो फिर इलाजगाह भी मरीज़ को रुखसत करते हुए ये सोचती है कि हम वापस फैमिली के पास अगर मरीज़ को भेज रहे हैं तो क्या फैमिली पेशेंट सेफ हो चुकी है, क्या फैमिली इतनी महफूज हो चुकी है अपने रवैयों के एतबार से कि वो अपने मरीज़ की बहाली को कायम व दायम रख सके। कुछ लोग मदद हासिल नहीं करते हालांकि उनके घर में ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपने फरमाया, तो ऐसे लोग कैसे क्या करें? देखिए, पहली स्टेज पे तो इवन आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाएं, आप सदाकत क्लिनिक की वेबसाइट पे जाएं, उर्दू में मुकम्मल मालूमात है, मुकम्मल मदद मौजूद है। और फिर अगर वो सदाकत क्लिनिक कॉल करें और कोई मशवरा करना चाहें तो माहरीन हर वक्त मौजूद हैं। उनकी कॉल के जवाब में उन्हें फौरी सिचुएशनल मशवरा या जो मशवरा उनको उस वक्त दरकार है वो उनको मिल जाएगा। आपने आगाज़ तो लाहौर से किया सदाकत क्लिनिक का, मगर उसके बाद इसको आपने ब्रांच आउट किया और कराची में भी सदाकत क्लिनिक इस वक्त भी ऑपरेट कर रहा है, इसी तरह मरी में इस वक्त सदाकत क्लिनिक ऑपरेट कर रहा है। तो कराची वाला सेंटर है उसमें कराची से एंड देन अंदरून सिंध से और लाहौर में, तो ये आपने जो ब्रांच आउट किया है इनमें स्टैंडर्डाइजेशन जो है इलाज की उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, अब ये 40 साल का सफ़र है और शुरू में जब कराची से मरीजों को लाहौर आना पड़ता था तो इलाज में कुछ चीज़ें फिर पूरी करना मुश्किल होता था, जैसे फैमिली काउंसलिंग है। तो फिर इस ख्याल से, चूँकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो 1994 में फिर कराची सेंटर का आगाज़ हुआ। इसी तरह यानी मरी में फिर 1995 में स्टार्ट हुआ और मरी सेंटर हमारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। और हैरत अंगेज तौर पर जो पाकिस्तानी सेटल्ड हैं बरतानिया में और यूरोपीय ममालिक में और अमेरिका में, तो वो अपने अहले खाना को जब कभी उन्हें एडिक्शन का सामना होता है तो वो बहुत आसानी महसूस करते हैं वापस उन्हें पाकिस्तानी कल्चर में इलाज के लिए भेजते हुए। और अब तो बड़ी आसानी से जो पेशेंट्स हमें यूके से आते हैं, लंदन से आते हैं, तो स्काइप पे उनकी फैमिली की काउंसलिंग होती है, स्काइप पे मुलाकातें होती हैं। ज़िंदगी आपको पता है कि बहुत आसान हो गई है, व्हाट्सएप पे मरीज़ अपने घर वालों से बातें करते हैं, टेलीफोन पे बातें करते हैं, तो ये फासले काफ़ी मिट गए हैं। नशे की बीमारी में मदद ज़रूर हासिल करना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान में अब दो नस्लें सदाकत क्लिनिक को देख चुकी हैं, यानी ये इतनी तजर्बाकार इलाज का है, तो आप सदाकत क्लिनिक से लाहौर, कराची और मरी में मदद हासिल कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि नशा आखिर आपके घराने का मुकद्दर क्यों रहे, जब बाहर दुनिया में हर जगह रोशनी फैली हुई है और पाकिस्तान में भी नशे की इलाज में बहुत बेहतरी आ रही है। जितनी भी ट्रेनिंग या गाइडलाइंस आती हैं वो सदाकत क्लिनिक की तरफ से आती हैं, और सदाकत क्लिनिक की वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो आप हैरान होंगे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी उर्दू वेबसाइट है ड्रग एडिक्शन के बारे में, जहाँ आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा। मेरा नज़रिया हमेशा यह है कि कोई बात कभी नहीं छुपाना। मेरा नज़रिया ये है कि जो बात मैं जानता हूँ वो दूसरों तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि किसी बात को जानना अल्लाह के फजल से होता है और आप अल्लाह के फजल को नहीं रोकते, आप रोक भी नहीं सकते अल्लाह के फजल को। अगर आप अल्लाह के फजल को आगे नहीं चलाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में आप भी
एक रुके हुए पानी की तरह हो जाएंगे, उसमें ठहराव आ जाएगा और उसमें खुशबू नहीं रहेगी। कोई नफ्सियात का मसला हो, कुछ मनशियात का मसला हो, सदाकत क्लिनिक एक लीडर बहाली का इदारा है, इससे आप रजू कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मदद ज़रूर हासिल करें, मदद हासिल करेंगे तो मदद ज़रूर मिलेगी।